नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं गौरवी आपके साथ। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस की ओर। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कैंप कार्यालय में के सुनवाई स्वागत कक्ष में सुने लोगों के परिवार। भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर फाउंडेशन ने सीएम का जताया आभार। उत्तराखंड महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रोतेला पहुंची लोहाघाट, जिला महिला कांग्रेस सम्मेलन में लिया हिस्सा, चुनावों की तैयारी पर किया मंथन। चुनाव की तैयारी के मद्देनजर उत्तराखंड में भाजपा महाजन संपर्क अभियान का आयोजन। काशीपुर में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट तो हल्द्वानी में भाजपा के पूर्व प्रदेश महामंत्री गजराज ने की शिरकत। उत्तराखंड में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के नाम पर धर्म परिवर्तन का खुलासा, लालच देकर गरीबों को बना रहे थे निशाना, पुलिस ने गिरफ्तार किए दो आरोपी। देहरादून में दिव्यांगों के साथ ठगी, दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाने के नाम पर वसूले 40,000 रुपए, मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कही जांच की बात। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित स्वागत कक्ष में प्रत्येक दिन प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित स्वागत कक्ष में लोगों की समस्याओं को सुना। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोमदत्त शर्मा के नेतृत्व में भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री से भेंट करके उत्तराखंड में कृषि और उद्यान को तेजी से बढ़ावा देने और किसानों के हित में सरकार के द्वारा लिए जा रहे निर्णयों की सराहना की और मुख्यमंत्री का आभार भी जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिए गए उत्तराखंड के नवरत्नों के मूल मंत्र पर प्रदेश की सरकार आगे बढ़ रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से कहा कि केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर उत्तराखंड में भी ऐसी कई योजनाएं हैं जिनको केंद्र से स्वीकृति मिली है और राज्य को नई पहचान भी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश को जो नवरत्न दिए हैं, जब वे धरातल पर उतरेंगे तो प्रदेश नए आयाम स्थापित करेगा। बताया कि नवरत्न मिलने से प्रदेश में रोजगार, पर्यटन, निर्माण आदि सभी क्षेत्रों में प्रदेश में तरक्की होगी और प्रदेश नई राह की ओर अग्रसर होगा। आगे देखिए, वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से देश का प्रधानमंत्री का पद का दायित्व तो संभाला है, तब से लेकर आज तक 9 सालों में हमारे प्रदेश के अंदर अभूतपूर्व रूप से अनेकों योजनाओं की स्वीकृति हुई है और जो उन्होंने नवरत्न हमको दिए हैं, उन नवरत्नों के पूरा हो जाने के बाद ये सारे नवरत्न जब धरातल पर उतर जाएंगे तो विकास का उत्तराखंड के इतिहास में एक नया सोपान तय हो जाएगा, विकास की नई गाथा पूरी होगी और निश्चित रूप से ये एक मील का पत्थर होगा। इससे जहाँ नवनिर्माण पूरे होंगे, वहीं पर्यटन के क्षेत्र में, आर्थिकी के क्षेत्र में, रोजगार स्वरोजगार के क्षेत्र में, आध्यात्म के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में जो है एक नई तरक्की होगी, नया एक मुकाम हासिल होगा। उत्तराखंड सरकार के द्वारा मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पिछले दिनों उत्तरकाशी में मंडुवे की बुवाई करते हुए नजर आए। उसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपने सोशल मीडिया पेज पर एक पोस्ट साझा की है, जिसमें उन्होंने लिखा कि हमारी सरकार मंडुवे की खरीद मूल्य के साथ मंडुवा और उसके समकक्ष जितने भी प्रजातियां हैं, जिसमें मेषा से गहत तक, कोदो झंगोरा से लेकर सारे मोटे अनाज सम्मिलित हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट के बाद बीजेपी और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। देखिए, अगर मंडुवे के लिए कांग्रेस की सरकार में और कांग्रेस के मुख्यमंत्री जी ने कोदा झंगोरा के लिए कुछ किया होता तो आज कोदा झंगोरा के जो काश्तकार हैं उनको दिक्कत और परेशानी नहीं होती। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिस तरीके से मोटे अनाजों के लिए मार्केट तैयार की है, जिस तरीके से उनके लिए विपणन की व्यवस्था सुनिश्चित की है
और उनको प्रोत्साहन देने के लिए काम किया है, वही काम अपने राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी भी कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का नाथूराम गोडसे को लेकर दिया गया बयान अब भी विपक्षी दलों के लिए एक बड़ा मुद्दा है, जिस पर उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी सियासत करते हुए नजर आ रही है। कांग्रेस की तरफ से आज पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के आवास का घेराव किया गया और मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष सुमित भुल्लर ने कहा कि जब तक भाजपा अपने ऐसे बयान भी नेताओं पर कार्रवाई नहीं करती है, कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा और कांग्रेस सड़कों पर उतरकर जनता को जागरूक करने का काम करेगी। ये दुर्भाग्य है कि हमारे देश के सत्ताधारी पार्टी के मुख्य लोग है जो वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारों का महिमामंडन करने का काम कर रहे हैं, महात्मा गांधी की शहादत को, उनके योगदान को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। हम इसके कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं और आज हमने इस जो हमने जो विरोध प्रदर्शन है, जो गॉडसे के समर्थक हैं, जो समाज में जो उनका विरोध प्रदर्शन है, केवल उनको आईना दिखाने के लिए आज विरोध की शुरुआत मात्र है और आने वाले समय में हम और तीव्रता के साथ और हर जगह इन लोगों का विरोध करने का काम करेंगे, क्योंकि ये देश गांधी का देश है, इसमें गॉडसे के लिए कोई स्थान नहीं है। और गॉडसे को तो हम आज़ाद भारत का पहला आतंकवादी मानते हैं और उसको ये राष्ट्रभक्त कहने की बात करते हैं, तो ये कुल मिलाकर के देश की स्वतंत्रता संग्राम की जो लड़ाई थी, जो हमारे नायक थे, उनको अपमानित करने का काम इस मौके की सरकार कर रही है। हल्द्वानी में भाजपा के महाजनसंपर्क अभियान के तहत MBPG कॉलेज के सभागार में भाजपा के द्वारा संयुक्त मोर्चा सम्मेलन आयोजित किया गया। इस दौरान 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर केंद्र सरकार की उपलब्धियों को कार्यकर्ताओं से घर घर पहुंचाने का आह्वान किया गया। भाजपा के पूर्व प्रदेश महामंत्री गजराज बिष्ट ने बताया कि संयुक्त मोर्चे के सम्मेलन में सभी मोर्चों के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे महाजनसंपर्क अभियान में घर घर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाए। पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का महाजनसंपर्क अभियान प्रारंभ है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इन 9 वर्षों में पूरे देश के अंदर क्या क्या काम हुए, किस प्रकार हम आगे बढ़े, किस प्रकार देश का मान सम्मान बढ़ा है, किस प्रकार विश्व में हम विश्व गुरु की ओर बढ़ते जा रहे हैं, हमारे बढ़ते कदमों की सारी जो सूचनाएँ हमारे हम सब आम जनता तक पहुंचा रहे हैं, घर घर तक जा रहे हैं। 20 से 30 जून तक एक महाजनसंपर्क अभियान, जिसके तहत हम हमारा कार्यकर्ता प्रत्येक घर तक जाएगा और अपनी सरकार की उपलब्धियों को बताएगा। उसी के तहत आज सभी मोर्चे, हमारे जो 7 मोर्चे हैं, उनके सभी कार्यकर्ताओं को यहाँ पर बुलाया गया है। उनसे भी यह अपील की जा रही है, उनसे भी यह निवेदन किया जा रहा है कि वो भी घर घर तक माननीय मोदी जी के जो नेतृत्व है, उसके नेतृत्व में जो कार्य हैं, उन कार्यों को पहुँचाएँ। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा संसदीय सीट के सांसद अजय भट्ट अपने 2 दिवसीय जिला उधम सिंह नगर के प्रवास पर आज काशीपुर बाजपुर के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने महाजनसंपर्क अभियान के तहत इन कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, तो वहीं उन्होंने देर शाम काशीपुर के सहोता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के 5 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने प्रदेश में चिकित्सकों की कमी को कार करते हुए कहा कि जल्द ही प्रदेश में रिक्त पड़े डॉक्टर्स के पदों को भरा जाएगा। अच्छा लगा यहाँ आके, जो सहोता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है उसमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ उपलब्ध होने लग गई हैं, ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई। आपके पास कार्डियोलॉजिस्ट से लेकर नेफ्रोलॉजिस्ट और आपके हड्डी विशेषज्ञ और बाल रोग विशेषज्ञ, एक से एक काम आपने यहाँ पर किए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि न्यूरो की सर्जरी यहाँ पर आपने की, आप न्यूरो सर्जरी यहाँ लगातार कर रहे हैं और जो अभी तक सक्सेस हुई है। और भी कई केसेस के बारे में मैंने आज स्टडी करी है आपकी, तो उसको देख के लगा है कि अब कई चीज़ों के लिए हमको उत्तराखंड से बाहर नहीं दौड़ना पड़ेगा। नेशनल न्यूरोलॉजी फोरम से हमारे को एक्रेडिटेशन मिला है और हम लोग NNF और NABH दोनों एक्रेडिटेड हॉस्पिटल हैं और हम प्रणबद्ध हैं एक अच्छा रिजल्ट देने के लिए। और आने वाले समय में हम लोग कुछ और नई चीज़ें भी लेकर आने वाले हैं, उसके बारे में समय समय पर आपको बताते रहेंगे। जो रिजल्ट हमारा 98% हम कोशिश करेंगे 99+% लाने के लिए। धन्यवाद। पाँचवा स्थापना दिवस मना रहे हैं, पाँचवा स्थापना दिवस था माता पिता के आशीर्वाद से, ये उनका सपना है जो हम लोग जी रहे हैं।
काशीपुर में सांसद अजय भट्ट ने की प्रेस वार्ता। उन्होंने कहा कि समय पूरे देश में महाजनसंपर्क अभियान चल रहा है। आज यहां ओबीसी के लोगों से संपर्क कर रहे हैं, क्योंकि वोट लेते समय लोग तरह तरह के उलाहने देते हैं, लेकिन पहली बार जब मोदी जी आए तो ओबीसी आयोग का गठन किया गया और बहुत सारी सुविधाएं ओबीसी को दी गई। इस समय आप पूरे देश में देख रहे हैं महासंपर्क जन अभियान चल रहा है हमारा। इस समय हम हर एक से संपर्क कर रहे हैं। आज हमारा यहाँ पर ओबीसी मोर्चे के लोगों से, ओबीसी के लोगों से, जितने भी लोग हैं उनसे संपर्क कर रहे हैं, क्योंकि वोट लेते समय तो लोग बाग तरह तरह के उलाहने देते हैं, कहते हैं हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ जब मोदी जी आए तो हमको जो ओबीसी आयोग हुआ उसका गठन किया गया और बहुत सारी सुविधाएं ओबीसीज को दी गई। इतना ही नहीं, उत्तराखंड में तो बहुत ही ऐतिहासिक काम हुआ कि जो ओबीसी वर्ग से आती हैं हमारी बहन जी डॉक्टर कल्पना सैनी जी, उनको यहां का सांसद बनाया गया राज्यसभा का। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला अपने चंपावत दौरे के दौरान लोहाघाट पहुंची। यहां कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। लोहाघाट में जिला महिला कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने आने वाले लोकसभा चुनाव, निकाय और पंचायत चुनाव तैयारियों पर मंथन किया। सोमवार को एनेक्सी भवन में महिला कांग्रेस के जिलाध्यक्ष विमला महाराव की अध्यक्षता और शैलेंद्र राय के संचालन में 2024 के लोकसभा चुनाव की रणनीति तैयार की गई। सम्मेलन में पहुंची महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रौतेला ने कहा कि आगामी नगर त्रिस्तरीय और लोकसभा चुनाव के लिए जुट जाएं। उन्होंने साथ ही धामी सरकार पर भी निशाना साधा। मैंने महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पूरे प्रदेश में जिला हेडक्वार्टर्स पर दौरा शुरू करा है और हम लोग जो आने वाले निकाय चुनाव हैं, लोकसभा चुनाव हैं, जिला पंचायत के चुनाव हैं, उनको लेके तैयारी शुरू कर रहे हैं। हमारे जो जिलाध्यक्ष हैं डिस्ट्रिक्ट पे, हम लोग उनके द्वारा जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं, ब्लॉक कमेटियां हैं, जिला कमेटी है, और हमारी कोशिश है कि ब्लॉक के बाद हम लोग बूथ में, हर बूथ में 10 महिलाओं को तैयार कर पाए आने वाले चुनाव के लिए। क्योंकि देखिए, उत्तराखंड महिलाओं के आंदोलन से बना हुआ उत्तराखंड है और हमेशा ही कहा जाता है कि उत्तराखंड की जो सरकार जब बनती है तो उसमें जो अहम भूमिका होती है वो महिलाओं के वोट की भूमिका होती है। तो हमारी कोशिश है कि हम लोग बूथ लेवल तक अपने साथ महिलाओं को जोड़े जो कांग्रेस पार्टी की वर्कर हों। और जब उत्तराखंड में अब निकाय और लोकसभा चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियां सक्रिय हो गई है, इसी क्रम में उत्तराखंड की क्षेत्रीय पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल भी अब प्रदेश में जगह जगह अपनी पार्टी का विस्तार कर रही है। जिसके चलते यमकेश्वर ब्लॉक के डाडा मंडी में सदस्यता अभियान चलाया गया, जहां पर प्रदेश के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी पहुंचे। इस दौरान प्रमोद काला ने कहा कि राज्य बनने के 20 वर्षों के बाद उत्तराखंड की दिशा और दशा देखकर महसूस किया जा सकता है कि इससे उत्तराखंड क्रांति दल को मजबूत करना आवश्यक है। पार्टी को मजबूत करने के लिए ही पूरे उत्तराखंड में सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। हमारा केवल जो फोकस है वो है संगठन पे। अभी तक क्या है कि उत्तराखंड क्रांति दल को सब चाहते हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियां जो भी रही हो, लेकिन संगठन नहीं बन पाया। हमारा फोकस है आज कि हम संगठन बनाएंगे। हमने यमकेश्वर विधानसभा के अंदर संगठन बनाना शुरू किया था मार्च महीने से, और आज आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कितने लोग हमारे संगठन के कार्यकर्ता यहाँ पे आए हुए हैं। हमें लग रहा है कि अब जन भावनाएं उत्तराखंड के साथ, उत्तराखंड क्रांति दल के साथ आ रही है। सबसे पहले जो मेरे दिमाग, मनो, मस्तिष्क में जो रहता है वो है परिसीमन, क्योंकि अब जो 2012 में हमारे पास थी 40 सीटें, उससे पहले 40 सीटें थी, जब 2012 के बाद हमारी 6 सीटें घट गई हैं। मतलब जो पर्वतीय जिले हैं, अभी जो 2027 का परिसीमन होने वाला है उसमें हमारी 6 से लेकर 9 सीटें कम होने वाली हैं। मतलब एक पहाड़ और मैदान के बीच में बहुत बड़ी खाई क्रिएट होने वाली है। ये मेरा मतलब हमेशा मुझे ये बात बड़ी दुख देती है कि क्या होगा 2027 के बाद, हम कहाँ। आज देख रहे हैं कि पहाड़ों में हालत क्या है, जो हम एक उत्तर प्रदेश के उपनिवेश बन के रह चुके हैं। अगर ये सीटें अगर हमारी कम हो जाती हैं तो हमारा तो पहाड़ी मुख्यमंत्री कभी बन ही नहीं पाएगा।
राजधानी देहरादून में वैसे तो लगातार स्वच्छता को लेकर नगर निगम लगातार अपने पीठ भले ही थपथपाता आता रहता है, लेकिन आज भी आलम यह है कि शहर में जगह जगह नालियां टूटी हुई है और कूड़ा सड़कों पर दिखाई पड़ता है। इस पर आज CGO झरना कमठार ने बताया कि प्रशासन इसको लेकर काफी चिंतित है और इसके लिए बाकायदा 12 तारीख से 18 तारीख तक सफाई पखवाड़ा चलाया जा रहा है। इसको लेकर तमाम विभागों को इसके लिए कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। मॉनसून की तैयारियों को लेकर के ऑलरेडी बैठक की जा चुकी है और सभी डिपार्टमेंट्स को निर्देश दे दिए गए हैं कि वो अपने से संबंधित जो भी कार्रवाई है उसको युद्ध स्तर पर पूरा कर लें मानसून आने से पूर्व। और इस संबंध में नालियों का सफाई का कार्य भी चल रहा है पूरे शहर में। इसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स की ड्यूटी भी लगी है, वो इसमें मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं रेगुलर। और इसके अलावा इस सप्ताह को हम स्वच्छता सप्ताह के रूप में मना रहे हैं और इसमें 18 तारीख को जो है एक क्लीनलीनेस ड्राइव चलाया जाएगा जिसमें सभी विभागों को निर्देशित कर दिया गया है, सारे नगर निगम नगर पालिकाओं को निर्देशित कर दिया गया है जिसमें वो स्थलों का चयन करेंगे, वहाँ पे टीम बना के सफाई करवाई जाएगी। और इसके अलावा हम उस दिन सफाई कर्मियों को सम्मानित करने भी जा रहे हैं। शिक्षा विभाग को भी निर्देशित किया गया है कि वो स्कूलों में रैलियाँ, प्रभात फेरी आदि का आयोजन कराएं, ड्राइंग कंपटीशन कराएं, स्पीच कंपटीशन कराएं, स्लोगन कंपटीशन कराएं। तो सभी विभाग जो हैं इसमें उनको जो जो निर्देश दिए गए। खबर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के किच्छा कोतवाली अंतर्गत क्षेत्र में सीधे सादे गरीब लोगों को प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराए जाने के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस क्षेत्राधिकारी ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि सीधे सादे स्थानीय लोगों को प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के नाम पर धर्म परिवर्तन के लिए बहलाया जा रहा था। उन्होंने बताया कि पकड़ा गया आरोपी विकास कुमार पूर्व में वाल्मीकि धर्म छोड़कर धर्म परिवर्तन कर चुका है और वर्ष 2008 से लेकर दिसंबर 2022 तक सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल में चर्च और पादरियों के पास कई वर्षों तक काम करता रहा। पुलिस के अनुसार मामले की जांच की जा रही है और अन्य लोगों की संलिप्तता पाए जाने पर उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल किच्छा पुलिस ने पकड़े गए दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। कल आजाद नगर के पूर्व प्रधान है कोहली जी, उनके द्वारा एक तहरीर अज्ञात के खिलाफ दी गई जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि कुछ लोगों द्वारा बंगाली कॉलोनी में धर्मांतर कराने की कोशिश की गई है। इस संबंध में तहरीर दाखिल होने के संबंध में तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया, टीमें गठित करके दो लोगों को गिरफ्तार किया गया जो लोग भोले भाले लोगों को बहला फुसला कर धर्मांतर कराते थे। और इस संबंध में कप्तान साहब महोदय का सख्त आदेश है कि उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए, जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी उनके खिलाफ की जाएगी। कहाँ के रहने वाले हैं ये धौरा टांडा बरेली के रहने वाले हैं। तो सूचना मिली थी कि यहाँ पर कुछ लोग आ रखे हैं और जो धर्म परिवर्तन का काम कर रहे हैं, तो सूचना मिलने पर मैं मौके पर पहुँचा तो पता लगा कि ये लोग बाहर से आ रखे हैं, दूसरे प्रदेश से, और किराए पे कमरा ले करके रह रहे हैं और ये धर्म परिवर्तन का काम 3 दिन से चल रहा है और ये कह रहे हैं कि जन्मदिन है हमारे यहाँ, 3 दिन से टेंट वेंट लगा करके खाना पीना चल रहा है इनका और ये गरीब लोगों को बहला फुसला करके धर्म परिवर्तन करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसमें मकान मालिक को भी जानकारी नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं और क्लासें लगा करके ये धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। ये भोले भाले लोगों को, हमारे यहाँ बंगाली समाज के लोग रहते हैं, उनको बहलाना फुसलाने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें साहब ये बाकी तो जो भाग गए हैं, कुछ दो लोग, एक महिला एक पुरुष विदेशी हैं, बाकी कुछ हिरासत में लिए गए हैं, उनसे ही पूछताछ चल रही है। उत्तराखंड के देहरादून में दिव्यांगों के साथ ठगी करने का मामला सामने आया है। एक व्यक्ति सुशील कौशिक के द्वारा दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाने के नाम पर 40,000 रुपए मांगे गए। जब इस बाबत देहरादून मुख्य चिकित्सा अधिकारी से बात की गई तो उनका कहना है कि दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाने के लिए 1 भी रुपया नहीं लगता है। अगर ऐसा मामला है, कोई इस तरीके से दिव्यांग से पैसे ले रहा है, तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रमाण पत्र 40,000 रुपए जिसका एक प्रमाण भी हमारे पास है, आप मुझे उपलब्ध कराएं। NGO है और उसके उसमें एक सुशील करके हैं, सुशील कौशिक। यदि इसके कोई भी आपके पास साक्ष्य है आप मुझे उपलब्ध कराएं, निश्चित रूप से इसमें कार्रवाई करूंगा। दिव्यांगों से पैसा लेने का तो कोई मतलब ही नहीं, यदि ऐसा कुछ आप नहीं अभी मुझे बताया है, मेरे स्तर से तो नहीं, इसमें मेरी जान, मेरे स्तर से तो किसी NGO को नहीं दिया गया। आप मुझे दें, इसके साक्ष्य दें, मैं इसमें जांच करा के।
उत्तराखंड के रुड़की की मंगलौर क्षेत्र के अशोकापुरम कॉलोनी में दिन दहाड़े घर का ताला तोड़कर लाखों रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। पीड़ित महिला ने बताया कि वो सुबह 11 बजे के आसपास घर का ताला लगाकर पड़ोस में गई हुई थी। इसी बीच अज्ञात चोरों ने घर का ताला तोड़कर घर में रखी अलमारी तोड़कर लाखों रुपए के कीमत के जेवर और कैश लेकर फरार हो गए। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। से गई पीछे तक ही गई थी घर के बाहर, 10:45 बजे गई और 11:30 बजे मैं आ गई हूँ। उस बीच में मेरा घर के बाहर का ताला तोड़ा उन्होंने, घर के अंदर का ताला तोड़ा और मेरा कम से कम सोना चांदी, मेरे घर के सारा कैश सब कुछ लेके चले गए चोर। LED भी ले गए मेरे घर की, ठीक है, कम से कम 5-6 लाख रुपए का मेरा सामान जो था वो सब कुछ लेके चले गए। कॉलोनी है गोदावरी होटल के पास में दिल्ली रोड पे, और इसमें जो है हमारी कॉलोनी में है, पड़ोसी है हमारे, सुनैना महिला है ये, और इसके घर वाले का नाम बब्बू है, बब्बू शर्मा। तो ये जो है थोड़ी देर के लिए पड़ोस की कॉलोनी में गई हुई थी, 11 बजे के आसपास की घटना है दिन की, और जो है उसी दौरान में इनके घर में जो है कोई चोर आए और वो जो है घर का सारा सामान ताले वाले तोड़ करके सब सामान चोरी करके ले गए। जानकारी प्राप्त हुई थी कि चोरी हुई है, मौका मुआयना करने। देहरादून पुलिस की बड़ी कामयाबी, अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के 2 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया गया और उनके पास से 10 चोरी के वाहन बरामद किए गए जिनकी कीमत लगभग 1 लाख रुपए है। आपको बता दें कि उनके पास से उत्तराखंड के साथ साथ उत्तर प्रदेश राज्य के वाहन भी बरामद किए गए। वहीं SSP के द्वारा बताया गया कि उन्होंने अपनी टीम के लिए 5,000 का इनाम भी घोषित किया है। थाना प्रेमनगर क्षेत्र से एक मोटरसाइकिल चोरी की घटना हुई थी और उसके वर्कआउट करने के लिए टीमें गठित की गई थी। लगभग लगभग 350 CCTV फुटेज को खंगाला गया और खंगाल करके 2 व्यक्ति, संदीप कटारिया है, नाविद पुत्र लियाकत, ये दोनों सैलगंज के रहने वाले हैं, इनको हिरासत में लिया गया। इनसे पूछताछ करी गई, कुल 10 दुपहिया वाहन इनके माध्यम से रिकवर की गई हैं, जिसमें से आपके 3 स्कूटी हैं, 7 मोटरसाइकिल हैं और 4 वाहन जनपद देहरादून से कनेक्ट हो गए हैं, 2 वाहन आपके जनपद अमरोहा से कनेक्ट हो रहे हैं। हरिद्वार में अवैध तमंचे के साथ सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करना एक युवक को भारी पड़ गया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने युवक के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज करके उसे अरेस्ट कर लिया है। घटना हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र की है, जहां पर यूपी के शामली के रहने वाले एक युवक ने अवैध तमंचे के साथ वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी। पुलिस ने आरोपी के पास से एक अवैध देसी तमंचा और एक जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिया है। वहीं पुलिस की ओर से जारी की गई वीडियो में युवक अपनी गलती पर माफी मांगता हुआ नजर आ रहा है। इस तरह के प्रकरण पूर्व में भी आए, जिन पर संज्ञान लेकर हमारे द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित कर उनको पकड़ा गया है। उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई अमल में लाई गई है। इसी क्रम में कल ये जो वीडियो वायरल हुआ था उसका संज्ञान लेते हुए उस पर भी विधिक कार्रवाई अमल में लाते हुए हमारे द्वारा अभियोग पंजीकृत कर लिया गया, व्यक्ति को पकड़ लिया गया, उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत हो चुका है। मैंने सोशल मीडिया पर तमंचे के साथ वीडियो अपलोड की थी, मुझसे बंदे में क्षमा चाहता हूँ। मैं सभी लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि ऐसे गलत काम ना करें और गलत काम करने का बताएं, इस चीज़ की पेशरबंद और माफ़ी चाहता हूँ। रुड़की के सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के बेलजा गांव में एक युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने युवक की हत्या का आरोप लगाते हुए कोतवाली का घेराव किया है और जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि रुड़की के एक टेंट हाउस में काम करने वाला पंकज नाम का एक युवक 27 वर्षीय का था। वहीं बीती रात काम खत्म करके वापस घर जा रहा था, रास्ते में पंकज की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। छुट्टी कर दी उसकी, ऐसा ना होना चाहिए चमारो के साथ, संतो चाहिए। ये तो सरकार सलूशन देगी, अगर नहीं अभी सरकार सलूशन निकाल लेंगे उसका हम कुछ बाद में निर्णय करेंगे, अभी तो हम आपको बता ही नहीं सकते मैं क्या चाहिए। का निर्णय सुनना चाहिए, सरकार क्या सलूशन निकाल लिया उनके लिए, पहले तो सरकार का सलूशन सुनेंगे ना, उसके बाद में फिर अपना बताएंगे दादा आपको हमें क्या चाहिए, हमें कुछ सलूशन तो दे सरकार, इंसाफ के लिए बैठे हुए। प्रकरण ये है कि रात को एक एक्सीडेंट हुआ है बेलेडा गांव में एक ट्रैक्टर ट्रॉली से,
ठीक है, इसकी सूचना सवेरे पुलिस को मिली है, पुलिस तब से ही कार्रवाई में लगी हुई है। अभी डेड बॉडी का जो है पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई एक तरफ चल रही है, उसके अलावा हम इन लोगों से अपील कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कि आप हमें उचित तहरीर दीजिए, हम तुरंत मुकदमा पंजीकृत करेंगे। जिससे एक्सीडेंट हुआ है उसके मालिक को पुलिस ने अपनी उसमें ले लिया है, अभी उससे हम पूछताछ करेंगे कि कैसे कैसे हुआ था। वहाँ पे अन्य लोग भी मौजूद थे, 108 की गाड़ी भी मौजूद थी, 2-3 गवाह थे प्रत्यक्षदर्शी जिनके द्वारा पुलिस को सूचना दी गई थी, उनके भी बयान दर्ज करेंगे और जो भी उचित। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही, अब दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।